जो पहला मैच था जिसमें केकेआर वर्सेस आई थिंक एसआरएस था या आरसीबी था, पता नहीं कौन था, जिसमें सबसे ज्यादा रन बने थे, रैंडम मैकुलम ने पहले मैच में मारा था, वो मैंने यहाँ पे देखा था खड़ा होकर। अब इसको मैं नीचे ले डाल दे। ये देखना गाइस, नीचे पटक। प्लीज से हाय। हाय। हेलो। हाय। जल्दी मेरा पराठा जल रहा है। अरे हो क्या? नानी का पराठा जल रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारा सेकंड डे चालू हो गया है। हम लोग अब इंदौर से निकलेंगे, पर निकलेंगे कैसे? आप देख सकते हैं कि एक जन्ना बहुत आतुर होके सो रहा है, दिखाती हूँ आपको। तो रेडी हो गई, ये एक इसके पास बैठा है, इसकी निगरानी कर रहा है, और ये इधर सो रही है। कहाँ से निकले हैं ओरिया? कहाँ से निकले कोई इंसान? ओरिया, 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 ओरिया। देखो रोटी आई है, हम लोगों ने सब्जी खत्म कर दी। जाइए, उठिए रावी, फ्रेश होके आइए और नहाइए, कपड़े चेंज करिए। देखो ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमारे गाड़ी साफ करने वाले भैया। कितना लेते हो आप? जो भी प्यार से दे दो आप। अच्छा, क्या चाहिए प्यार से आपको? दिल, जान, जिगर? नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए, फालतू बकवास है। पैसा चाहिए प्यार से। पैसा? पैसा तो आपको नहीं मिलेगा, आपको फ्री में मिलेगा। कितने रुपए लेगा? 150 रुपया। मैं तो 5 रुपए भी नहीं दूंगी, ऐसी गाड़ी साफ कर रहा। थोड़ा ढंग से ही कर लो। ये देखो, ये गाइस ये गाड़ी साफ हुई है, ये देखो। अच्छा कांच साफ कर रहे हैं भाई। अच्छा कांच कर रहे हैं, ये कांच साफ करने वाले भैया। ये देखो इधर घूम रहा है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चलो ना, तो गाइस अभी हुआ ये है, मम्मी जरा समझाएंगी। और मेरा ये उड़ा जा रहा है। मैं नहीं समझा पाऊंगी। और आप क्या कर रहे हैं? खेतों के मजे लेने के? आपको यहाँ के जो घर होते हैं वो ऐसे होते हैं, देख लो आप लोग, ये देखो। और हम लोग अब रवाना हो गए। मुझे नहीं जाना, मुझे मजा आ रहा है। अभी ओरियो का लीश बाहर लटक रहा था, बाद में वो लीश आवाज करने लगा गाड़ी चली तो इससे पहले हम कुछ रियलाइज करते, वो लीश टायर के नीचे घुस के जोर से खिंच गया, गेट के अंदर से निकल गया वो। हालांकि कोई डैमेज नहीं आया, छोटा स्क्रैच लगा, बट लीश टूट गया। अच्छा वो उसमें ओरियो नहीं बंद रहा था। ओरियो बंद रहा होता तो कांड हो जाता आज। तो कभी भी चलाओ, मेरे जैसा कोई ड्राइवर है नौ सीखिया तो ध्यान रखो भाई। नौ सीखिया गंदे बच्चे। मैं पैदल आती हूँ घर, आप जाओ। मम्मी जो हम यूं जा रहे होंगे ना 7 दिन बाद तभी यहीं कहीं मिलोगी। मैं वर्कआउट भी होएगा ना फिर, मेरा पैदल जाऊंगी। दे दो आधा किलो, लेकिन अच्छे साफ धो के देना। और है ना मसाला है क्या? हाँ मसाला, मसाला है लगा के। तो गाइस अभी मम्मी को चाहिए एकदम मसालेदार ककड़ी, क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ तो ककड़ी अच्छी होती है। तो ये हमारी आंटी है, ये हमको दे रही है। स्वीट से आंटी बना रही है। और ये रे अंकल, अब ये YouTube पे जाएगा। देखो ये फ्रेश ककड़ी है, ठीक है, और आंटी धोके मसाला लगा के देगी एकदम मस्त बना करके। कौन सी छोटी वाली, तो बड़ी? और ये देखो हमारा ओरियो देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। और ये हम लोग वीडियो बना रहे थे, मैं
सा ही रिकॉर्ड किया है मैंने। और अभी अजमेर कितना दूर है? 4 hours 200 किलोमीटर। कैसा लगा मेरा ट्राइसेप और मेरा बाइसेप और मेरा टाइटू? गाइस तो गाइस तो क्या गुंडा बने? सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ और इतना नॉनस्टॉप गाड़ी चलाया मैं। झूठ, नीमच रुके थे हम, मतलब एक जगह रुके थे पर उसके बाद तो जो नॉनस्टॉप गाड़ी चला, झूठ, रास्ते में कार पे सीट सीधी करके लेटे थे, झूठ, पेट्रोल, ये आप लोगों से झूठ भी बोलते हैं आधा से ज्यादा चीजें। भाई अभी तुम ही लोग बताओ, सुबह मैं निकला था 9 बजे इंदौर से, अभी बज रही है लगभग 5:30, तो सुबह के 9 से 5:30 इसमें हम 1 से 1.5 घंटा कहीं पे रुके थे, तो 1.5 घंटा कम करेंगे तो समझ लो 3, 5, 8 घंटे, 8 में से 1.5 घंटा कम किया तो 6.5 घंटे, तो 6.5 घंटे में हम लोग इंदौर से पहुंच गए हैं आई थिंक भीलवाड़ा, हाँ भीलवाड़ा बाईपास पर है हम लोग अभी। तो हमने कवर किया है तकरीबन 400 किलोमीटर 6 घंटे में, तो मेरे हिसाब से अचीवमेंट होना चाहिए, तो आप गैस कर सकते हो कि ठीक ठाक स्पीड में हम लोग चला। और यहाँ का मौसम इतना सुहाना हो गया है, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम काले बादल और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो फिर जब हम यहाँ से मुंबई आएंगे तो वहाँ पे काले बादल हो जाएंगे? नहीं, हम लोग आ जाएंगे थोड़े दिन में, तो फिर वहाँ पे काले बादल हो जाएंगे? नहीं होंगे, वहाँ पे जून एंडिंग तक बारिश आती है आजकल, वेदर ने धोखा दे रखा है वहाँ पे। और ये मेरे ग्लासेस कैसे लग रहे हैं? मैंने आई वेयर लैब से खरीदे हैं, इट इज पोलराइज्ड, 2 मिनट के लिए दोगे? तो इसका बेनिफिट अगर आप देखोगे इसमें दिखाएंगे, मिरर पे जो रिफ्लेक्शंस होते हैं उसको ये कम कर देता है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को गाड़ी किधर रोकना पड़ेगा। फिर जो क्या होता है आपका डैशबोर्ड जो आपके मिरर के ऊपर में शाइनिंग मारता है सनलाइट पड़ने के बाद, जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन इससे एलिमिनेट हो जाता है, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सामने का व्यू आता है, तो ड्राइविंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है। प्लस थोड़ा सा जब 7-8 बजती है, एकदम अंधेरा नहीं, थोड़ा अंधेरा होने लगता है, तो उस टाइम पर जो लाइटें सामने से पड़ती हैं तो उसकी जो रेज बनती है वो भी एलिमिनेट कर देता है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है गाड़ी चलाना। ये बहुत लंबा हो गया है और यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, रोकने वाले थे ओवर स्पीडिंग के लिए, लेकिन अपन रुके नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने कैमरा लगा रखा है, दे हैव दिस कैमरा, कैमरे में हमारी फोटो आई गई होगी नेचुरली। क्या मौसम हो रहा है, मौसम दिखाते हैं आपको, रुक जाओ। अब मैं आपको पोलराइज्ड का बेनिफिट दिखाता हूँ, अगर आप देखोगे ना तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन, ये सामने पहाड़ दिख रहा है ना, ये यहाँ पे एक्चुअली माइनिंग होती है बहुत तगड़ी, सिल्वर और जिंक निकलता है, तो ये उसके वेस्ट मटेरियल का पहाड़ है, ये सामने लेफ्ट में जो दिख रहा है आर्टिफिशियल पहाड़ है, ह्यूमन मेड, ये वेस्ट मटेरियल है, ओवरबर्डन मटेरियल बोलते हैं उसको। तो गाइस अभी हम लोग इतने टाइम से धूप में थे, हमारे लिए अभी ठंडी का एहसास नहीं है। तो गाइस अभी हुआ क्या, ये जो अपनी विंडो है ना, मैंने ऐसे करके बैठा, इतना ठंडा और मजा आ रहा है ना, तो मैंने मैं ऐसा क्यों करता हूं, पर ये आप कहना चाहेंगे बारिश के लिए? और ये देख बारिश, देखो आप लोग एंजॉय व्यू, और ये व्यू के चक्कर में मेरा कैमरा थोड़ा लड़खड़ा गया था, पड़खड़ा पर
ओरियो को बारिश मजा आ रहा है, वो नहीं रुकेगा शायद। यस, सिट डाउन ओरियो। नो, ले लो कुल्लड़ की चाय, बहुत मस्त है, बहुत टेस्टी भी है। मतलब अदरक अदरक सब एकदम कूट काट के बढ़िया से डाली है उसमें। खुद तो बाहर मौसम का एंजॉय लेके पियो, मेरे को कुत्ते के साथ बैठा दिया तुमने। कुत्ता अंदर रहेगा क्या दिक्कत? क्यों डर लग रहा है उसको? नहीं लग रहा था। वी हैव रीच्ड, तो हम लोग अजमेर पहुंच गए हैं। ये अजमेर का फेमस पुलिया है हमारे कॉलेज के पास का, तो अभी हमने यहाँ से एंट्री ले लिया है और यहाँ से ही अजमेर की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। ये सबसे पहला है पर्वतपुरा बाईपास या चौराहा। तो ये मेरा होम टाउन है। ये वाली जो दुकान है ना, जेंट्स पार्लर, तो ये दुकान की क्या स्टोरी है? जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था 2008 में स्टार्ट हुआ था, तो जो पहला मैच था जिसमें केकेआर वर्सेस आई थिंक एसआरएस था या आरसीबी था, पता नहीं कौन था, जिसमें सबसे ज्यादा रन बने थे रैंडम मैकुलम ने पहले मैच में मारा था, वो मैंने यहाँ पे देखा था खड़ा होकर। और उसके बाद एग्जाम था। एग्जाम नहीं थे, पता नहीं थे, एग्जाम्स थे। तो बस वही पुरानी यादें ताजा हो गई अजमेर पहुंच के। यही तो हम पहली बार मिले थे, भूल गए क्या आप? तो गाइस हम लोग अपने स्वीट होम पे आ चुके हैं, यानी रावी की नानी का घर। ये देखिए, ये देखिए, ये क्यों किया? ये है मेरे नानू। बोल लो, मुझे तो किस मिलता ही नहीं है। नमस्ते पापा। ये देखिए हमारा घर चेंज हो चुका है। ओह गॉड, लेकिन अभी काम चल रहा है। घर में आ गया हूं। ये अपना घर है ना कि किसी और का ले लिया आपने? इनके पास एक डॉग है, उसका नाम शबी है। पहले दो से एक एक्सपायर हो गई, मैं आपको मेरी नानी से मिला था। एक्सक्यूज मी नानी जी, प्लीज से हाय। हाय। हेलो। हाय। जल्दी मेरा पराठा जल रहा है। अरे हो क्या, नानी का पराठा जल रहा है। तो गाइस ये है उनका डॉगी उड़ रहा है। देखो वो कुछ भी नहीं कर रहा पापा, और यही भौंक भाई। इंटीरियर है, बहुत ही बहुत शानदार इंटीरियर करा है इसके। अभी वो लगेगी रैक्स वगैरह। ये एक रूम हो गया है और ये कंबाइंड बेड पार्ट है इसका। ऐसा ही बनाएंगे हम भी, नाना भी चेस सही है। नहीं वैसे फ्लैट लेंगे पर अंदर ऐसे ही कराएंगे, है ना? अंदर हमारा पेट पूजा हो रहा है, बिकॉज़ सबको भूख लग रही है। इन 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 इनका व्रत है दोनों का। ये पत्ता गोभी बनाई है, एक और स्पून बस, एक और स्पून बस। और गट्टा दूं? हां, ये पत्ता गोभी है। नानी के हाथ की चीजें बहुत पसंद है। तेरी सब्जी है जो मैंने बनाई है, और मैंने रावी आई है उसको खिला रही हूँ गट्टे की सब्जी। और अब मैं नाना को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे प्यारे रावी घर आई है। ये लोग ना टीप टीप के बोल रहे हैं। गाइस मैं सोच रही हूँ नानी से कोई गाउन उनका रेंट पे ले लूं, क्योंकि मटकी लेके आए। नमकीन, नमकीन। ओ मेरे को मटकी सुनाई दे। हाउस
गाड़ी चला के आओ, सामान रखो उसके अंदर, सामान निकालो भी खुद ही, मतलब सारे काम मैं ही करूँ। मतलब थोड़ा सा आके हेल्प करती कि लाओ, एक अटच उठवा देती हूँ एक सूटकेस। ये बहुत गलत बात है कि आप चेतन करते रहते हैं और अच्छा, तुम लोग हेल्प नहीं करते हो बिल्कुल भी। तुम लोग आगे से उनकी हेल्प करें कृपया करके। आप बोल ले मम्मी एक मिनट कृपया, तो घर का काम तो हम ही करती ना औरतें। नहीं तो क्या हो गया, घर का कर दिया तो उनके हस्बैंड भी करते हैं, इसलिए आप हस्बैंड के ये कहां थोड़े दिन पहले तो लगा है। तो गाइस हुआ ये है कि एसी लीक कर रहा है। तेरे कितने पराठे रखूं? दो रखूं या एक रखूं? गट्टे की सब्जी पे तो भरोसा रख लो, घर में सेंचे खाता हूं। अब खाता है तो खा ले। नल चल रहा है पापा, एसी लीक, एसी लीक, कोई बात नहीं, अपने पास वो है कूलर। ये बोतल तो यहाँ पड़ी है, मैं ढूंढ रही थी इसको। देखो मम्मी का इतना बड़ा मकान बन गया पर ये बोतलें ढूंढ रही है। गाइस आप खुद देख लो माँ कैसी होती है, पुरानी चीजें ढूंढ रही है। रखी हुई एक और बोतल, मतलब मम्मी यार थोड़ा सा सोचो, व्लॉग में सब लोग सोचेंगे इतना है फिर भी। ये सिंगल गद्दा ठीक है क्या? हाँ सिंगल गद्दा। देखो मेरी मम्मी का जोश, ये देखो जोश है मम्मी। अब इसको मैं नीचे ले डाल दे। ये देखना गाइस नीचे पटक, क्योंकि ये साफ है एकदम। ये तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ? सब पहनते हैं, मस्त लग रही है मम्मी यार, मस्त लग रही है। लाइक शेयर कीजिए मेरी बिटिया को, मेरी प्यारी लाडो को। ओके बाय गुड नाइट, बाय गुड नाइट करो, तेरे से काम है ना। बाय गुड नाइट, ओके बाय।